good morning children so in mathematics uh, in lesson how heavy how light we uh, have next part there so go to page number 145 uh, topic is post office okay so let's see what is there to learn yes before we go to the topic let's see some questions from your book yes first question is there have you ever been to a post office अगर आप पोस्ट ऑफिस गए हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ पता है देखा है आपने कुछ जानकारी है तो यस लिख दीजिए अगर कुछ भी नहीं पता है यू कैन राइट नो सेकेंड क्वेश्चन देखो पोस्ट ऑफिस जाते हो ना तो पोस्ट ऑफिस के बाहर क्या ए लेटर बॉक्स पड़ा होता है रेड कलर का आपने देखा होगा ना कुछ पिक्चर में देखे होंगे आपने ना पिक्चर्स में या फिर रियल में देखा होगा आपने पोस्ट ऑफिस के सामने सो क्वेश्चन इज देयर व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर ठीक है पोस्ट ऑफिस में क्या क्या करने के लिए लोग जाते हैं फिर आंसर में बी पीपल गो टू पोस्ट ऑफिस फॉर फॉलोइंग रीजन देर आर फॉलोइंग रीजन यहाँ पे टिक लगा देना टू पोस्ट द लेटर लेटर को पोस्ट करने जाते हैं टू सेंड मनी ऑर्डर मनी ऑर्डर को एक साथ मिला कर लिखना है मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं जाने के लिए वहाँ जाते होंगे फॉर बैंकिंग अभी तो पोस्ट ऑफिस में क्या हो रहा है बैंकिंग फैसिलिटीज भी होती है ना आप तो, तो वहाँ पर बैकिंग के लिए भी जा सकते हैं टू परचेज द पोस्ट कार्ड इन लैंड लेटर्स इन वेलप और स्टम्प ये सब भी परचेज करने के लिए पोस्ट ऑफिस में लोग जाते होंगे है ना ये सब काम पढ़ते होंगे वहाँ पोस्ट ऑफिस में ना uh, हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट पोस्ट कार्ड देखा होगा आपने ऐसे होता है हार्ड थोड़ा सा हार्ड होता है ये पोस्ट कार्ड यहाँ पे ऐसे एड्रेस लिखे होते हैं ठीक है यहाँ पे स्टम्प लगा होता है टिकट लगा होता है यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को लिखते हैं ये पोस्ट कार्ड ऐसे होता है और इसका कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे येस yes, आपको इसके लिए यहाँ पे एक यहाँ पे प्राइस लिस्ट दिया हुआ है ठीक है पोस्टल रेट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आपको आंसर देना है तो क्वेश्चन क्या है हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट यहाँ पे देखो लिस्ट में सिंपल दो तरह के हैं सिंगल पोस्ट कार्ड और प्रिंटेड तो सिंगल का रेट कितना है जीरो पॉइंट फाइव जीरो रुपीज़ में सारे सारे रेट कितने हैं रुपीज़ में तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो का मतलब क्या हुआ हमने पढ़ा है ना देखो डेसिमल के जो डेसिमल है इसको डेसिमल बोलते हैं डेसिमल के पहले क्या है जीरो मतलब जीरो और डेसिमल के बाद कितना है फाइव जीरो फिफ्टी पैसे फिफ्टी पैसे का मतलब क्या होता है हाफ रुपी ठीक है तो से इसका मतलब हो गया. हो गया आंसर क्या जाएगा फिफ्टी पैसे तो आप आंसर लिख दोगे द कॉस्ट ऑफ द पोस्ट कार्ड इज रुपीज फाइव जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एन डैंड लेटर कॉस्ट यहां देखो इन लैंड लेटर कॉस्ट कितना यह है इन लैंड लेटर इन लैंड लेटर के आगे क्या लिखा हुआ है टू पॉइंट फाइव जीरो टू पॉइंट फाइव जीरो का मतलब देखो ये डेसिमल के पहले है वो रुपीज है डेसिमल के पहले क्या है रुपीज मतलब टू रुपीज फिफ्टी पैस यू कैन राइट टू पॉइंट फाइव जीरो सो आंसर विल बी द कॉस्ट ऑफ द इनलैंड लेटर इज रुपीज टू पॉइंट फाइव जीरो ये आपने यहाँ से ये जो पोस्टल रेट था यहाँ से आपने आंसर लिख दिया ठीक है तुम अब इस पोस्टल रेट से हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है थीके? तो कौन कौन से क्वेश्चन है उसके पहले हम इस पोस्टल रेट को अच्छे से समझ लेते हैं ये है पोस्टल आइटम्स बहुत सारे आइटम्स हैं ना पोस्ट ऑफिस में यूज होते हैं लेटर को पोस्ट करने के लिए पार्सल को पोस्ट करने के लिए फिर लेटर लिखने के लिए भी हम लेटर लेटर पैड लेटर खरीदते हैं ना या फिर पोस्ट कार्ड खरीदते हैं वो सारे रेट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है ये है पोस्टल का रेट सारे रेट क्या है रुपीज़ में है तो सबसे पहले है सिंगल पोस्ट कार्ड का रेट आपने देख लिया फिर आपने प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का भी देख लो सिक्स रुपीज़ है इन लैंड लेटर का भी क्या है रुपीज़ टू है ये इन लेटर क्या होता है इन लेटर में क्या होता है काफ़ी स्पेस होता है ये पूरे लेटर में थ्री पार्ट्स होते हैं ठीक है थीके? इसमें लिखने के लिए काफ़ी स्पेस होता है इसको हम इन लेटर कहते हैं ये पूरा फोल्ड करके भेजते हैं इसमें जो है वो जो भी लिखा रहता है ना वो छिपा रहता है अंदर लेकिन पोस्ट कार्ड में क्या होता है वो ओपन रहता है आफ्टर दैट यू कैन सी लेटर वेइंग लेटर को वे लेटर जो हम भेजते हैं ना उसको पहले देखो ये वेट करते हैं इसके ऊपर वेट करते हैं और वेट के अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है जैसे मान लो अगर लेटर का वेट हमारे ट्वेंटी ग्राम है या फिर ट्वेंटी ग्राम से कम है तो ओनली फाइव रुपीज़ यहाँ लगेगा लेकिन अगर ट्वेंटी से ज़्यादा है है ना तो पहले तो ट्वेंटी ग्राम का प्राइस हो जाएगा फाइव रुपीज़ फिर एडिशनल होता है एडिशनल का मतलब क्या होता है कि अगर ट्वेंटी से थोड़ा सा भी ज़्यादा है ना तो पूरा पूरा आपको फिर से टू रुपीज़ देना पड़ेगा ऐसे मान लो अगर फोर्टी है तो फोर्टी का मतलब क्या हुआ पहले ट्वेंटी ग्राम का प्राइस हो जाएगा फाइव रुपीज़ उसके बाद नेक्स्ट ट्वेंटी ग्राम के लिए आपको फाइव नहीं देना होगा ओनली टू रुपीज देना होगा ट्वेंटी के बाद जो आपका वेट बढ़ता जाएगा ना उसके लिए आपको एडिशनल प्राइस देना होगा वो कितना है टू रुपीज ये किसके लिए है फॉर लेटर सिमिलरली फॉर पार्सल ऑल्सो पार्सल के लिए क्या है फर्स्ट फिफ्टी ग्राम के लिए जो 50 ग्राम होगा उसके लिए फाइव रुपीज़ है लेकिन उसके बाद 50 ग्राम के बाद अगर जो भी ऐड होगा ना बाद में उसके लिए आपका ओनली थ्री रुपीज है ठीक है ये आपने यहाँ पे पोस्टल रेट समझ लिए नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवेन इन द चार्ट पोस्टल रेट हमने देख लिए भाई चलो क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टम्प्स ऑन अ लेटर विफ्टी ग्राम देर इज़ ए लेटर लेटर का वेट कितना है फिफ्टी ग्राम है तो उसको पोस्ट करने के लिए कितना चार्ज आएगा फर्स्ट लेफ्ट राइट डाउन द स्टम्प्स आर रिक्वायर्ड अप टू ट्वेंटी ग्राम इज इक्वल टू रुपीज फाइव रुपीज़ आपने देखा है यहाँ पे पोस्टल रेट में लेटर को अगर ट्वेंटी ग्राम है तो कितना कॉस्ट है फाइव रुपीज़ तो ये हो गया आपका ट्वेंटी ग्राम के लिए फाइव रुपीज़ लेकिन हमारा लेटर कितना है वो तो फिफ्टी ग्राम का है ना तो ट्वेंटी ग्राम का तो हो गया फाइव रुपीज़ अब 50 को हमें ऐसे ब्रेक करना होगा 50 को हम कैसे ब्रेक करेंगे 20 प्लस ट्वेंटी प्लस टेन ऐसे आप 50 को ब्रेक कर लेना तो नेक्स्ट 20 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा टू रुपीज़ ये सही समझ में आ रहा है आपको क्योंकि एडिशनल कितना है एडिशनल मीन्स उसके बाद दो दो रुपये बढ़ते जाएंगे ठीक है तो फर्स्ट ट्वेंटी ग्राम के लिए कितना हो गया फाइव रुपीज नेक्स्ट ट्वेंटी ग्राम के लिए कितना हो गया टू रुपीज़ और फिर से टेन ग्राम और है तो टेन ग्राम है लेकिन क्या होगा एक्स्ट्रा चार्ज टू रुपीज़ ही लगेगा अगेन रुपीज़ टू तो टोटल कितना प्राइस हो गया इन सारे प्राइस को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे सो योर आंसर विल बी यस टोटल कॉस्ट ऑफ़ स्टम्प्स जीरो पॉइंट फाइव रुपीज टू रुपीज टू दैट इज फाइव प्लस टू प्लस टू दैट इज नाइन रुपीज देअर फोर आई हैव टू पे रुपीज़ नाइन फॉर स्टम्प्स ऑन अ लेटर विफ्टी ग्राम्स क्लियर हो गया ना येस yes. क्वेश्चन नंबर टू इज देयर आकाश वांट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई अभी देखो यहाँ पे लेटर की बात नहीं हो रही है अभी हम पार्सल की बात कर रहे हैं पार्सल में क्या होता है कोई सामान लगेज या फिर कोई चीज़ भेजना होता है सामान की तरह द बुक वेज टू हंड्रेड ग्राम बुक का वेट कितना है टू हंड्रेड ग्राम क्योंकि यहाँ पे वेट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना कितना वेट है वो बहुत ज़रूरी है तभी तो हम उसके ऊपर कितना का स्टैंप लगेगा मालूम करेंगे वही तो हमारा पार्सल पोस्ट पोस्ट पोस्टल चार्ज हो जाएगा सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक ये रहा हमारा बुक जिसको हमको पार्सल करना है तो सबसे पहले क्या करना है हमें यू नो पार्सल का जो रेट है क्या है पार्सल का रेट है पहले फिफ्टी ग्राम जो फर्स्ट फिफ्टी ग्राम होगा वो कितना होगा फाइव रुपीज़ उसके बाद जितना भी बढ़ता जाएगा ना फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम उसके लिए आपको थ्री रुपीज़ चार्ज करने हैं तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा फिफ्टी रुपीज़ के लिए फिफ्टी ग्राम के लिए और सॉरी फिफ्टी ग्राम के लिए कितना हो जाएगा फाइव रुपीज़ सो यू कैन राइट लाइक दिस आकाश हैज टू पार्सल द बुक टू सेंड इट टू रानी फॉलोइंग आर द कॉस्ट ही हैज टू पे फॉर द पार्सल द वेट ऑफ बुक इज इक्वल टू टू हंड्रेड ग्राम ये हमने क्वेश्चन में दिया है हमने यहाँ पे नोट कर लिया द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू फिफ्टी ग्राम इज इक्वल टू फाइव रुपीज आपको पता है ठीक है फिफ्टी ग्राम के लिए कितना है फाइव रुपीज है नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल वन फिफ्टी ग्राम ये क्या है एडिशनल ग्राम क्यों है क्योंकि हमारा बुक जो है वो टू हंड्रेड ग्राम का है तो टू हंड्रेड ग्राम का मतलब क्या हुआ यू कैन राइट फिफ्टी प्लस वन हंड्रेड फिफ्टी यह पहले वाले फिफ्टी का चार्ज कितना हो जाएगा फाइव रुपीज लेकिन जो बाद वाले वन फिफ्टी है उसमें कितने फिफ्टी आ रहे हैं थ्री तो आप इसको थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है इसको ऐसे समझो टोटल जो बुक का जो कितना वेट है 200 ग्राम है ठीक है तो जो फर्स्ट 50 ग्राम के लिए कितना लगेगा फाइव रुपीज क्लियर और जो बाद में बच रहे हैं 150 ग्राम उसमें कितने हो जाएंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 है ना ये हो जाएगा थ्री रुपीज फिर से थ्री रुपीज एंड फिर से थ्री रुपीज तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा थ्री रुपीज इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है रुपीज 3 को थ्री से क्योंकि टोटल हमने वन फिफ्टी ग्राम का यहाँ पे एडिशनल वाला चार्ज हो गया एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज तो ये हो गया आपका नाइन रुपीज़ हो गया ठीक है वन फिफ्टी ग्राम के लिए तो ये हो गया आपका फाइव रुपीज़ फर्स्ट फिफ्टी ग्राम के लिए और ये हो गया आपका नाइन रुपीज़ एडिशनल वन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम के लिए तो टोटल हमारा टू हंड्रेड ग्राम का मालूम हो जाए कैसे मालूम करेंगे फाइव रुपीज़ को और नाइन रुपीज़ को प्लस कर लेंगे देन यू विल गेट टोटल कॉस्ट रुपीज़ फोर्टीन दिस विल बी टोटल कॉस्ट ठीक है फॉर द पार्सल क्लियर ओके नाउ लेस्ट क्वेश्चन नंबर अलॉट गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज देयर रीड द वे सोन इन द पिक्चर दिस इज द वेट यू कैन सी ये वेइंग मशीन से आप ये वेट कर रहे हैं फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट अब देखो हमें यहाँ पे वेट भी पहले देखना है कितना वेट है ये सारे क्या है ये सब स्टम्प्स हैं जो उसके ऊपर हम लगाते हैं लेटर या पार्सल के ऊपर तो इसको देख के आपको पता करना है वेट कितना है चलो देखते हैं इसका वेट कितना है ठीक है तो वेट कैसे मालूम पड़ेगा देखो ये जो स्केल है ना ये है असेंडिंग ऑर्डर में लाइक ये फिफ्टी हो गया हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी तो ये जो नेडल है ना ये जहाँ जाएगा वो उसका वेट बताएगा ये नेडल कहाँ पे है देखो ये टू हंड्रेड है और ये टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम है इन दोनों के बिल्कुल बीच में है ना ये नेडल बिल्कुल कहाँ है बीच में है तो मतलब टू हंड्रेड देखो ये हो गया टू हंड्रेड ये हो गया टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड थर्टी टू हंड्रेड फोर्टी टू हंड्रेड फिफ्टी तो ये बिल्कुल बीच में है इट मीनस दिस इज टू ट्वेंटी फाइव है ना क्योंकि आपको टू हंड्रेड और टू हंड्रेड फिफ्टी इन दोनों के बीच में क्या आएगा इन दोनों के बीच में आएगा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ठीक है आप यहाँ से देख सकते हो दैट द वेट बाई अ वेट सोइंग इन दिस मशीन इज टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ग्राम ये आप यहाँ से वेट को यहाँ से लिख लेना ठीक है यहाँ लिख देना आपको टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ग्राम क्लियर अब इसको हम कॉस्ट पता करेंगे कॉस्ट के लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा लेस गो टू लेस गो टू दॉल्यूसन यस ये इज द सोल्यूसन द वेइंग मशीन सोइंग द वेट ऑफ पार्सल टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ग्राम इसको आप अच्छे से देख लेना है एक बार कितना वेट ये बता रहा है ठीक है क्योंकि ये टू और टू के बीच में ही है तो 200 और 250 के बिल्कुल बीच में जो वेट है ना ये नीडल वो 225 ग्राम ही बता रहा है तो ये हो गया हमने वेट मालूम कर लिया है टू ग्राम ये वेट है अब पार्सल आपको पता है कि पोस्टल चार्ज कितना है पार्सल के लिए फॉर 50 ग्राम फाइव रुपीज़ है ये तो केवल 50 ग्राम के लिए है ना लेकिन वेट कितना है बहुत ज़्यादा है फिफ्टी से बहुत ज़्यादा है तो एडिशनल फिफ्टी ग्राम के लिए क्या हो जाएगा थ्री रुपीज़ फिर से नेक्स्ट फिफ्टी ग्राम के लिए फिर से थ्री रुपीज़ नेक्स्ट फिफ्टी ग्राम के लिए फिर से थ्री रुपीज़ टोटल कितना हो गया फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी कितना बार फिफ्टी कर लिया हमने फोर टाइम मतलब टू हंड्रेड तो हो गया अब टू हंड्रेड बाद क्या है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव भी तो है मतलब फिर से आपको एक और एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा फिफ्टी ग्राम का वो हो जाएगा फिर से थ्री रुपीज़ तो आपने समझ लिया कि टू हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव तो आपने टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव होगा तो ये टू हंड्रेड का मतलब क्या हुआ फोर टाइम्स वन टू थ्री फोर और नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव के लिए फिर से एक बार फिफ्टी ग्राम वाला चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा वाला सो यू कैन सी फर्स्ट टाइम तो फाइव रुपीज लगा और फोर टाइम एडिशनल एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा तो फोर टाइम फिर से आपको थ्री रुपीज देने पड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा यू विल डू प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टोटल पोस्टल चार्जेस विल बी सम ऑफ ऑल दिस ठीक है so finally you will get the answer rupees सेवेंटीन for the for this parcel for the parcel ठीक है तो cost आपका कितना आ गया सेवेंटीन यहाँ पे आप सेवेंटीन रुपीज़ लिख देना 17 आ गया यहाँ पे rupees का symbol बन जाएगा ठीक है तो इसको आप अच्छे से note कर लेना और समझ लेना okay so this is for today's mathematics thank you take care